अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर से बलिया में बड़ा बयान दिया गया है सीट शेयरिंग को लेकर। बड़ी बात आज अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कही है सीट शेयरिंग को लेकर। बड़ी बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है गठबंधन को लेकर। सपा जिम्मेदारी से एक साथ है तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने यह बड़ी बात कही है, जहां पूरे देश की जनता बीजेपी को हराना चाहती है और सीट शेयरिंग को लेकर जो सपा है वो लगातार गठबंधन के साथ है। ये बड़ी बात कही गई है। किसको कहां से लड़ने का मौका मिलेगा जल्दी ही इसकी जानकारी होगी। सपा सभी को साथ लेकर सीट शेयरिंग पर फैसला लेगी। जो अच्छे जमीनी नेता है वो चुनाव लड़ेंगे। तो उस सीट शेयरिंग के सवाल पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो अच्छे नेता है वही चुनावी मैदान में उतरेंगे, वो ही अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, जिनको हराने का काम इंडिया गठबंधन एक साथ करेगा। ये बड़ी बातें सपा सुप्रीमो ने कही है। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गौरव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश। देखिए गौरव, अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर जो बड़ी बात कही है वो ये निकल के सामने आई है कि सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। इस इशारे को क्या समझा जाए? नमस्कार, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन के हम साथ नहीं है, पर निश्चित रूप से जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश मुख्य विपक्ष की भूमिका में हो, यहाँ पर निश्चित समाजवादी पार्टी अपने आप को आगे रखना चाहेगी। अब यहाँ पर जो अन्य विपक्षी दल की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरएलडी की बात करें, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इन जो पार्टियां हैं इन पर और समाजवादी पार्टी का कितना सामंजस्य बैठता है। वो इंडिया गठबंधन के साथ है, पर चूंकि आपको पता है इंडिया गठबंधन में जो इस तरह से 28 दल है, पर सभी 28 दल यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने वाले नहीं है। पर यहाँ पर जो चुनाव लड़ने की बात करें तो यहाँ पर आरएलडी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, यही प्रमुख पार्टियां जो यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में समझौता होना बहुत आवश्यक है, और जब इनके बीच समझौता होगा और यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात होगी तभी यहाँ पर बेहतर परिणाम सामने आए, क्योंकि यहाँ पर केवल इंडिया गठबंधन का साथ देने की बात अलग है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन में है, तो इसका खुला खुला संकेत यह है कि वो कांग्रेस आरएलडी समेत तमाम पार्टी सर गठबंधन को तैयार है। पर गठबंधन में यहाँ पर जो बड़ी खबर सामने आ रही थी वो ये थी कि सीट शेयरिंग पर लेकर जो बात है वो शुरू हो गई है, सपा और कांग्रेस के नेता बातचीत कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये रहेगा गौरव कि आखिर कौन कौन से दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, और सीट शेयरिंग की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान कितना मायने रखता है? बिल्कुल, यहाँ पर बयान मायने रखता है मुस्कान, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि हम साथ में हैं, तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव और यहाँ पर एक किसान चल रही थी कांग्रेस के बीच में बयानी, जो बयानों का दौर चल रहा था मध्यप्रदेश चुनाव के समय, वो दौर अब थम चुका है। अब यहाँ पर निश्चित रूप से पहल हो चुकी है और साथ जोड़ने की बात यहाँ पर हो रही है। पर निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पर हमने हाल में देखा है कि बात करने के लिए और सामंजस्य बिठाने के लिए हाल में उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रभारी है उन्होंने अविनाश पांडे को बनाया गया, तो निश्चित रूप से अविनाश पांडे यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनमें प्रमोद तिवारी के नाम भी हम ले सकते हैं, जो यहाँ पर चर्चा करेंगे और मेरे ख्याल से उनकी चर्चा का ही परिणाम होगा कि यहाँ पर सीट शेयरिंग पे बात हो पाएगी। बाकी अगर बात करें पहले जिस तरह दौर चलाया तो निश्चित रूप से उसमें यहाँ पर नाकामी जरूर हुई थी, पर चूंकि इस तरह अखिलेश यादव ने संकेत दिया है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले समय में बड़े नेताओं के बीच में चर्चा भी होगी, हो सकता है बहुत जल्दी सीटों का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर में दुकान में महिलाओं ने चलाए ईंट पत्थर, तो दुकान में महिलाओं ने ईंट पत्थर चलाए है, खबर कानपुर से है, जिसका सीसीटीवी भी अब सामने आ चुका है। काम करने के दौरान
युवक ने लिए थे एडवांस काम करने के दौरान, युवक ने एडवांस पैसे लिए थे। युवक और दुकानदार के बीच ये विवाद हुआ था, जिसके बाद आज दुकान के अंदर घुसते हुए महिलाएं ईंट बरसाती हुई नजर आई है दुकान में, तोड़फोड़ करते हुए। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो चुकी है। बर्रा थाना क्षेत्र के जनता नगर चौकी का ये पूरा मामला बताया गया है। तस्वीरें कानपुर से है, जहां दुकान में महिलाओं ने जमकर ईंट और पत्थर चलाए हैं। विवाद को लेकर ये दुकान के अंदर ईंट और पत्थर चलाने की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।